केंद्रीय कैबिनेट की आज होने वाली बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आज सुबह 10:30 बजे केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग होगी। बैठक में सरकार MSME सेक्टर की मदद के लिए फैसला ले सकती है। इसके अलावा एक्सिम बैंक को अतिरिक्त पूंजी देने पर फैसला किया जा सकता है, जबकि BPCL के नुमालीगढ़ रिफाइनरी की क्षमता 6 से 8 मिलियन टन बढ़ाने का प्रस्ताव हो सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सामूहिक धर्मांतरण की घटनाओं पर चिंता जताई है। उन्होंने दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि सरकार लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता का समर्थन करती है, लेकिन देश में सामूहिक धर्मांतरण पर बहस और ऐसी घटनाओं पर रोक लगाए जाने की जरूरत है। गृह मंत्री ने कहा कि सरकार लोगों में जाति, धर्म, समुदाय के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करती है। JNU में देश विरोधी नारेबाजी मामले में दाखिल चार्जशीट पर 19 जनवरी को सुनवाई की जाएगी, लेकिन इससे पहले कुछ राजनीतिक दलों ने आरोपियों का समर्थन करना शुरू कर दिया है। करीब 3 साल पहले JNU में देश विरोधी नारेबाजी करने वालों के खिलाफ दायर दिल्ली पुलिस की चार्जशीट को कांग्रेस ने हास्यास्पद बताया। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी चार्जशीट पर सवाल उठाया है और उसे BJP की चार्जशीट बताया है, जबकि BJP ने चार्जशीट पर सवाल उठाने वालों पर निशाना साधा है। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में कन्हैया कुमार समेत कई छात्रों को आरोपी बनाया है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने JNU मामले में दाखिल चार्जशीट को राजनीति से प्रेरित बताया है। महबूबा मुफ्ती ने आरोप लगाया कि BJP कन्हैया, उमर खालिद और कश्मीरी युवकों को वोट के लिए मोहरा बना रही है। महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ चल रहे सेना के अभियान पर भी सवाल उठाए हैं। महबूबा ने कहा कि 1996 से PDP का रुख साफ है कि आतंकी भी हमारे ही बच्चे हैं, वो हमारी पूंजी हैं, इसलिए हमारी कोशिशें उन्हें बचाने की होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने पाकिस्तान के साथ बातचीत की फिर से वकालत की है। उन्होंने कहा है कि हुर्रियत और आतंकियों से भी बातचीत होनी चाहिए। वहीं अयोध्या विवाद पर महबूबा मुफ्ती ने कहा, अगर मस्जिद के पक्ष में फैसला आए तो मुसलमानों के लिए खुशी की बात होगी। इतना ही नहीं, मारे गए आतंकियों के परिवार वालों से मिलने पर महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि अगर पुलिस वाले शहीद होते हैं तो मैं वहां भी जाती हूं। आज दिल्ली में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल की बैठक है। उत्तर प्रदेश में सीट बंटवारे को लेकर पहले जयंत चौधरी अखिलेश यादव से मिलेंगे, उसके बाद दोनों BSP अध्यक्ष मायावती से मुलाकात करेंगे। जयंत चौधरी का दावा है कि उन्हें कम से कम 4 सीटें दिए जाने का वायदा किया गया है। 10% आर्थिक आरक्षण का समर्थन करने वाली मायावती ने मुस्लिम आरक्षण की मांग की। मायावती ने कहा कि सरकारी नौकरियों में मुसलमानों का हिस्सा बढ़ाने के लिए उन्हें आरक्षण देना जरूरी है। UP में मुस्लिमों की आबादी करीब 20% है और 80 में 30 से ज्यादा सीटों पर मुसलमानों का सीधा असर है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लोकसभा चुनाव से पहले अपनी ताकत दिखाने के लिए बड़ी रैली करने जा रही हैं। इस रैली के जरिए ममता न सिर्फ BJP का विरोध करने की तैयारी में हैं, बल्कि BJP विरोधियों को एकजुट करने की भी योजना है। लेकिन ममता की इन कोशिशों को बड़ा झटका लगा है। 19 जनवरी को होने वाली इस रैली में मायावती ने शामिल होने से इनकार कर दिया है। वहीं अब कांग्रेस भी इस रैली में महज औपचारिकता निभाती नजर आएगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने उदारीकरण से लेकर अब तक के आर्थिक विकास का डेटा पेश किया है। उन्होंने दावा किया है कि पिछले 25 साल में मोदी सरकार के कार्यकाल में सबसे ज्यादा आर्थिक विकास हुआ, जबकि महंगाई की दरें सबसे कम रही। जेटली के मुताबिक 2014-15 से लेकर 2018-19 के दौरान देश की आर्थिक विकास दर 7.3% रही, जबकि UPA 1 के दौरान आर्थिक विकास दर 6.9% रही। वहीं UPA 2 के दौरान आर्थिक विकास दर की रफ्तार 6.7% रही। आर्थिक आंकड़ों का हवाला देते हुए जेटली ने कहा कि भारत को एक मजबूत सरकार चाहिए, ताकि आने वाले वर्षों में भी आर्थिक विकास इसी तरह जारी रहे। कर्नाटक में HD कुमारस्वामी सरकार का संकट बढ़ गया है। कुमारस्वामी सरकार को समर्थन दे रहे दो निर्दलीय विधायकों ने समर्थन वापसी का ऐलान किया। निर्दलीय विधायक आर शंकर और H नागेश ने मुंबई में सरकार से समर्थन वापसी लेते हुए BJP के साथ देने की घोषणा की। हालांकि कुमारस्वामी ने सरकार पर संकट से इनकार किया है। PM मोदी ने सबरीमाला मंदिर मामले में लेफ्ट सरकार पर निशाना साधा और कहा कि सबरीमाला विवाद को लेकर केरल की लेफ्ट सरकार का रवैया शर्मनाक रहा। केरल पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने कोल्लम की सभा में केरल सरकार के व्यवहार पर आपत्ति जताई। PM मोदी ने अपने केरल दौरे का समापन तिरुवनंतपुरम में पद्मनाभ स्वामी के दर्शन से किया। PM ने पारंपरिक कपड़ों में पद्मनाभ स्वामी की पूजा अर्चना की। छत्तीसगढ़ में मोदी सरकार की गरीबों के लिए शुरू की गई आयुष्मान भारत योजना बंद हो सकती है। दरअसल मौजूदा बघेल सरकार आयुष्मान भारत योजना की तरह यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम शुरू करने की तैयारी में है। CM भूपेश बघेल ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव इस योजना की समीक्षा कर रहे हैं और फैसला किया जाएगा कि योजना को जारी रखा जाए या नहीं। वहीं पूर्व CM डॉ. रमन सिंह ने सरकार को जल्दबाजी न करने की सलाह दी है।
प्रयागराज में कुंभ की शुरुआत होते ही देश विदेश से श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। इस बार कुंभ कई मायनों में अलग है। व्यवस्था हो या फिर सुरक्षा के इंतजाम, सब कुछ पहले से बेहतर है और इसका असर मंगलवार को हुए पहले शाही स्नान में देखने को भी मिला। कुंभ के पहले शाही स्नान में 2,25,00,000 श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। सीएम योगी ने श्रद्धालुओं, अधिकारियों समेत तमाम लोगों को बेहतरीन इंतजामों और व्यवस्था बनाने में सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। कुंभ में इस बार कुल 8 शाही स्नान होने हैं। अगला शाही स्नान 21 जनवरी को होगा। गुरुग्राम के सोहना रोड पर एक रेस्टोरेंट में 3 बदमाशों ने रेस्टोरेंट में कई राउंड फायरिंग की। 3 में से 2 बदमाश पहले से ही रेस्टोरेंट में मौजूद थे। तीसरे बदमाश के पहुंचते ही काउंटर पर बैठे मैनेजर पर फायर कर दिया। बदमाशों ने मैनेजर पर 4 राउंड फायर किए। 1 गोली उनके हाथ में लगी। अस्पताल में मैनेजर का इलाज हो रहा है। पुलिस ने 3 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। मैनेजर के मुताबिक कुछ दिन पहले शराब के नशे में आए युवकों के साथ रेस्टोरेंट कर्मचारियों की हाथापाई हुई थी। शक है उन्हीं ने हमला कराया है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने देश भर में उच्च शैक्षणिक संस्थानों और विश्वविद्यालयों में करीब 25% सीटें बढ़ाने का फैसला किया है। ये फैसला आने वाले शैक्षणिक सत्र यानी 2019-2020 से लागू होगा। सरकार के इस फैसले का असर देश भर के करीब 40,000 कॉलेजेस और 900 विश्वविद्यालयों पर पड़ेगा। सरकार ने सरकारी मदद से चलने वाले शैक्षणिक संस्थानों के कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों का फायदा देने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी को रथ यात्रा निकालने की इजाजत देने से इनकार कर दिया, लेकिन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की बेंच ने बीजेपी को राज्य सरकार को अपनी प्रस्तावित रथ यात्रा का संशोधित कार्यक्रम बताने और जरूरी मंजूरी लेने का आदेश दिया है। कोर्ट ने ममता सरकार से भी कहा कि वो संविधान में दी गई अभिव्यक्ति की आजादी के मौलिक अधिकारों को ध्यान में रखते हुए बीजेपी को संशोधित रथ यात्रा कार्यक्रम पर विचार करें। हालांकि राज्य सरकार से गणतंत्र बचाओ यात्रा के तहत बीजेपी को मीटिंग करने और रैली निकालने की अनुमति देने का आदेश दिया है। यूपी के मुरादाबाद में बीएसपी नेता विजय यादव SP-BSP गठबंधन से इतने उत्साहित हो गए कि अपना आपा खो बैठे और कार्यक्रम के दौरान मंच से बीजेपी को धमकी दे डाली और कहा कि बीजेपी वालों को तो दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। इस दौरान उन्होंने कहा गठबंधन से बीजेपी को नानी याद आ गई होगी। दिल्ली में लोगों को ठंड और कोहरे की दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। राजधानी में सर्द हवाओं का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से लोगों का बुरा हाल है। शीतलहर ने सर्दी में और इजाफा कर दिया है। विजिबिलिटी कम होने के चलते कई फ्लाइट्स रद्द कर दी गई हैं, जबकि 11 ट्रेनें लेट चल रही हैं। तापमान 3 से 4 डिग्री दर्ज किया गया है। मध्य प्रदेश के दमोह में BSP विधायक की दबंगई का एक वीडियो वायरल हो रहा है। महिला विधायक वीडियो में समर्थकों के साथ जिला अस्पताल के अधिकारियों के साथ बदसलूकी करती दिखाई दे रही है। इससे पहले महिला विधायक पर मंडी के कर्मचारी को धक्का देते हुए गाली देने का आरोप है। इकहत्तरवां सेना दिवस इसलिए खास रहा क्योंकि पहली बार आर्मी डे परेड का नेतृत्व एक महिला ने किया। जनरल बिपिन रावत ने इसे महिला सशक्तिकरण बताते हुए परेड कमांडर लेफ्टिनेंट भावना कस्तूरी को बधाई दी। सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने पाकिस्तान को घुसपैठ पर चेतावनी दी, कहा कड़ी कार्रवाई करने से हिचकेंगे नहीं। इस मौके पर दिल्ली के परेड ग्राउंड में सेना ने शक्ति प्रदर्शन किया और देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड में खेले गए दूसरे वनडे में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराया। कप्तान विराट कोहली की 104 रन की शतक की पारी और धोनी के 55 रन की बदौलत टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराया। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत के सामने 299 रन का लक्ष्य रखा था, जिसे टीम इंडिया ने 4 गेंद पहले ही हासिल कर लिया। इस जीत के साथ 3 वनडे मैच की सीरीज में टीम इंडिया ने 1-1 से बराबरी कर ली है।